वो आवास के लिए परेशान है, पेंशन के लिए परेशान, वो शौचालय के लिए परेशान, उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो शिक्षा के लिए परेशान। और आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ते हो ना, ओम प्रकाश राजभर गांव गांव घूमता हूं, 1 लाख की मीटिंग को भी संबोधित करता हूं और 50 आदमी भी है तब भी संबोधित करता हूं 50 आदमी को भी। आज सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कल मैंने 11 मीटिंग की कटहरी में अंबेडकर नगर, छोटी छोटी 200, 150, 150 11 मीटिंग कल मैंने कटहरी अंबेडकर नगर में एड्रेस किया और आज आपके बीच में हूं। यहां तो हजारों लोग जुटे हैं। इस नाते विरोधी क्या कहता है कहने दो, पहली योजना मैंने आपको बताया जो 3 महीने के अंदर जो काम हमने अपने विभाग का किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, कैबिनेट के सहयोग से। दूसरा काम हम अपने विभाग की बात करता हूं, यहां आए हुए लोगों व्यक्तिगत शौचालय आप अपने घर में बनवाना चाहते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर दो कि मुझे व्यक्तिगत शौचालय की जरूरत है, तो ओम प्रकाश राजभर जांच करा लेगा, 12,000 रुपया आपके खाते में सांत्वना सहयोग राशि के रूप में हम भेजने का काम करेंगे। हम 12,000 रुपया अपने विभाग से देंगे, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, रुपया लखनऊ पड़ा है खाते में। अब आप लेना चाहो दोष मत देना, प्रेमचंद कश्यप का दोष मत देना, उमेश यादव का दोष मत देना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इस नाते मैं सबको इकट्ठा जुटा करके जो योजना चल रही है उस योजना को बताने के लिए हम आपको यहां इकट्ठा किए हैं, इस नाते इकट्ठा किया हूं। बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर आ रहे, जाओगे तो क्या मिलेगा। हम आपको जानकारी देने के लिए बुलाए, किसी भी परिवार में एक बाप के पास 4 बेटे हैं, चारों अगर अलग हो गए हैं, एक ही मकान में रहते हैं, अंदर सामर्थ्य नहीं है बाहर मकान बनाने की, अगर चारों अलग अलग खाना बनता है तो हमारा अधिकारी उन चारों बेटों को, चारों परिवार को शौचालय देने का काम करेगा। ये ओम प्रकाश राजभर ने कानून बनाया है, तो बताओ सही है कि गलत है। सही है। अब ले चलता हूं तीसरी योजना, ये 3 महीने का काम हम आपको बता रहे हैं, लोग 74 बार सरकार बनाए हैं, 50 साल सरकार चलाए हैं। तीसरी स्कीम हम जो आज के 26 दिन पहले कैबिनेट से योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में पास हुआ है, तीसरी योजना, एक प्रस्ताव आया 500 करोड़ एक उद्योगपति को फैक्ट्री लगाने के लिए बिना ब्याज का कर्जा देने का। मैं भी कैबिनेट में था, मेरे मन में टीस थी कि जब अमीर के बेटा को, अमीर को अगर बिना कर्जे का फैक्ट्री लगाने के लिए अगर सरकार रुपया दे रही है तो गरीब का बेटा जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार करने के लिए भी बिना ब्याज का रुपया मिलना चाहिए। ये चर्चा हमने सदन में शुरू कर दिया, बहस हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा बवाल आप छोड़ देते हो भैया कि कबाहटें शुरू हो जाती है। हमने कहा कोई कबाहट नहीं है मुख्यमंत्री जी, अब इस पे चर्चा पहले हो जाए। डिप्टी सीएम दोनों, हमारे कैबिनेट के सभी लोग, सभी साथी, बहस हुई। कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए डिग्री, कोई उम्र की बात का। हमने कहा कि नहीं, हमारे तरफ से कक्षा 8 पास, जूनियर हाई स्कूल पास, उम्र 21 साल से 40 साल, 5 लाख रुपया रोजगार के लिए सरकार बैंक से लोन दिलावे और ब्याज सरकार भरे। आप बताओ ये सही है कि गलत है। दोनों हाथ उठाओ जिसको जिसको सही है। अब विरोधी पार्टी वाले कहा आपको सब, अरे इधर कुछ करते नहीं हुए, खाली झूठे बोले तुम्हें सब। आप देखो साल भर के अंदर मैं आऊंगा, जब जब आप बुलाओगे मैं आता रहूंगा। साल भर के अंदर धरातल पे वो चीज होने जा रही है जो चार चार बार सरकार बना करके सपा बसपा के लोग
पचासों साल कांग्रेस के लोग सरकार चला के नहीं किए, उस काम को हम लोग करके खुद अपने विभाग से मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं समीक्षा ले रहा था अपने फर्रुखाबाद के अधिकारियों की, हम तो आपसे भी कह रहा हूं, जो बात उनसे कहूं वो बात मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप अपने गांव में अपने इलाके में जहां ज्यादा से ज्यादा गरीब कमजोर लोग रहते हों, जहां नदी के किनारे अंत्येष्टि स्थल हो रहा हो, आप वहां अंत्येष्टि स्थल बनाओ, हम अपने दस्तक से रुपया देंगे, हम रुपया देंगे। और गरीब कमजोर साथियों, जिन गांव में गरीबों की आबादी ज्यादा है, जिन गांव में गरीबों की आबादी ज्यादा है, जिस इलाके में चार गांव पांच गांव मिला के जमीन हमको उपलब्ध कराओ, हम 1 करोड़ रुपया हम आपको विवाह घर बनाने के लिए दे रहे हैं। निःशुल्क वहां गरीब जाकर के अपने बेटा बेटी की शादी करेंगे।